नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों आज जो है सातवें चरण की वोटिंग भी हो गई और आज के बाद से जो है अब 4 जून का सभी को इंतजार है क्योंकि 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे, रिजल्ट घोषित होगा। लेकिन उससे पहले आज जैसे ही शाम को वोटिंग समाप्त हुई उसके बाद ही सभी टेलीविजन चैनल, सभी न्यूज चैनल जो है एग्जिट पोल पर बात करने लगे और एग्जिट पोल जो है अलग अलग एजेंसी, अलग अलग सर्वे, अलग अलग न्यूज चैनल जो है अपने दिखाने लगे। लेकिन न्यूज चैनलों में आज जिस तरह से अभी जो डिबेट चल रही है, जो चर्चा चल रही है, उनमें हम देख रहे हैं कि ज्यादातर चैनल, ज्यादातर जो सर्वे हैं वो दोबारा से, यानी कि ये कहिए तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बात या सरकार बनाते हुए आंकड़े दिखा रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल, तमाम एजेंसियां जो हैं वो ये कह रही हैं कि तीसरी बार जो है मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन इसके उलट दोस्तों कांग्रेस का ये दावा है कि हम जो है 295 सीटें ला रहे हैं, इनकी सरकार बनाने के लिए 272 सीटों का बहुमत होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस या इंडिया एलायंस जो है, इंडिया गठबंधन, उनका ये दावा है कि इस बार जनता का एग्जिट पोल ये है कि 295 सीटें हम लेकर आ रहे हैं और इंडिया एलायंस की सरकार बन रही है। आज दिल्ली में इंडिया एलायंस की एक बड़ी बैठक हुई, उस बैठक में तमाम तरह की बातें की गई कि किस तरह से जब काउंटिंग होगी तो उस पर नजर रखनी है। प्रधानमंत्री की नाम पर भी चर्चा हुई, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। तमाम रणनीति पर जो है चर्चा की गई। लेकिन दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो एग्जिट पोल को लेकर कही जा रही है। जिस तरह से सर्वे दिखाए जा रहे हैं उनमें जो है कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इधर इंडिया अलायंस वाले जो है काफी एक्साइटेड है सरकार बनाने को लेकर के, काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और एग्जिट पोल को जो है वो कहीं ना कहीं झूठा भी बताया जा रहा है। ये माहौल बनाने की ये कोशिश की जा रही है ऐसा भी बताया जा रहा है। ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी के जो पक्ष में जो है ब्यूरोक्रेसी जो अधिकारी हैं उनका जो है माइंडसेट चेंज करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस की नेता अलका लांबा हैं, उन्होंने जो है अपने सोशल अकाउंट के माध्यम से जानकारी दी और वो ये दावा कर रही हैं कि 2004 में भी, 2004 में सारे एग्जिट पोल बीजेपी की जीत का दावा कर रहे थे लेकिन बीजेपी उस वक्त हार गई थी। उनका ये कहना है, ऐसा मानना है कि जरूरी नहीं है कि जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं वही वास्तविक हो और ये बात ठीक भी है कि ये एक अनुमान होता है, सर्वे होते हैं लेकिन वास्तविक क्या है, वास्तविकता क्या है जो है ये हमें 4 जून को ही पता चलेगा दोस्तों। तो 4 जून में बहुत ज़्यादा लंबा वक्त नहीं है। सारे चैनल जिस तरह से अपने तरीके से जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं वो एक तरफ हैं लेकिन वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, ये 4 जून को ही पता चलेगा, 4 जून को जब नतीजे आएंगे। और ये देखा जाएगा कि कांग्रेस के या इंडिया एलायंस के जो वादे थे, जो मुद्दे थे वो जनता पर कितना प्रभाव डाल पाए या फिर बीजेपी मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल जो है जनता की उम्मीदों पर या जनता को कितना पसंद आया, जो कि उसने तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जो है बहुमत दिया, अपना जन समर्थन दिया। और इसके अलावा दोस्तों तीसरी बात जो है मैं ये भी कहना चाहूँगा कि तमाम लोग जो है इस मुद्दे पर भी चर्चा कर रहे हैं, हालांकि इंडिया अलायंस के नेताओं के बीच में भी जो है कई बार ये बात सामने आई है। ये कहा जा रहा है कि अगर ईमानदारी से काउंटिंग होती है तो कांग्रेस या कांग्रेस के तमाम नेता और भी जो है विपक्षी दल ये बात कह रहे हैं, पत्रकार भी कुछ ये बात कह रहे हैं कि अगर ईमानदारी से काउंटिंग होती है तो बीजेपी 200 सीटों पर सिमट जाएगी और अगर ईवीएम की कृपा रहती है तो जिस तरह से भाजपा का दावा था कि अब की बार 400 पार, ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर भी सख्त सुबह जो है वो दिखाई दे रही है। विपक्षी दल, विपक्षी नेता या कुछ पत्रकारों में अभी भी जिस तरह से मैं विश्लेषण तमाम टेलीविजन चैनलों पर देख रहा था तो उसमें एक ईवीएम के मुद्दे पर भी जो चर्चा की जा रही है कि ईवीएम में जो है किस तरह से ईवीएम के द्वारा काउंटिंग की जाती है, कितनी निष्पक्षता चुनाव आयोग के द्वारा बरती जाती है।
लेकिन जो एग्जिट पोल हैं वो ये माहौल बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है, और ये वही सारे न्यूज चैनल, न्यूज एजेंसियां एग्जिट पोल जो है वो दिखा रही हैं, जो हमने देखा है कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है उनके पत्रकार, उनकी एजेंसियाँ जो है वो एक प्रवक्ता के रूप में जो है काम कर रही हैं। तो इसमें कोई जो है हैरानी वाली बात भी नहीं है, क्योंकि उनका ये काम है भाजपा का प्रचार करना। लेकिन वास्तविकता सच्चाई क्या है ये 4 जून को पता चलेगी, अगर ईमानदारी से, निष्पक्षता से काउंटिंग होती है तो किसकी सरकार बनती है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय कमेंट करके जरूर बताएगी चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।